किसी का इंतकाल हो गया है, अब उसकी नमाज जनाजा हमें अदा करना है, उसकी नमाज जनाजा में शामिल होना है। तो देखें, नमाज जनाजा की दुआ या मैयत को देने की दुआ या मैयत नमाज जनाजा में भी पढ़ सकते हैं, वैसे भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फिर लहू वरहमहु वआफिही वाफु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار। यानी ऐ अल्लाह, तू इसे बख्श दे, इस पर रहम फरमा, इसे आफियत दे, इससे दरगुजर फरमा, यानी इसके गुनाहों को माफ़ कर दे, इसकी अच्छी मेहमान नवाजी कर, उसकी कब्र को कुशादा कर दे, इसके गुनाह पानी बर्फ़ और ओलों के साथ धो दे, इसे गुनाहों से साफ कर दे, ऐसे ही जैसे तूने सफ़ेद कपड़े को मैल कुचैल से साफ कर दिया है, और इसे बदले में ऐसा घर दे जो इसके घर से ज़्यादा बेहतर हो, और घर वाले ऐसे घर वाले दे जो इसके घर वालों से ज़्यादा बेहतर हो, और बीवी ऐसी दे जो इसकी बीवी से ज़्यादा बेहतर हो, और इसे जन्नत में दाखिल फरमा और कब्र के अज़ाब और आग के यानी जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फिर लिहय्यिना ومييتنا وشاهدينا وغائبينا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده। يعني الله हमारे जिंदा और मुर्दा, हमारे हाजिर और गायब, हमारे छोटे और बड़े, हमारे मर्द, हमारी औरतों को सब को माफ़ फरमा। या इलाही, हम में से जिसे तू जिंदा रख उसे इस्लाम पर जिंदा रख, और हम में से जिसे तू वफात दे उसे ईमान पर वफात दे। ऐ अल्लाह, हमें इस मैयत के अजर से महरूम न करना, और हमें इसके बाद गुमराह ना कर देना। और उसके अलावा भी कई एक दुआएं, लेकिन ये दुआ जो दो दुआएं मशहूर हैं, थोड़ी बड़ी हैं लेकिन अक्सर लोगों को याद होती है, ये दुआ पढ़ना चाहिए।